दोस्तों गाड़ी का धर्म काटा हो चुका है, आप देख सकते हो गाड़ी का कितना आया है। खाली गाड़ी का वजन 1570 किलो। नमस्कार। हाँ तो गुड मॉर्निंग मेरे दर्शकों, पूरे भारतवर्ष के लोगों को नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्णा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, अब मैं ड्यूटी जा रहा हूँ और आपको पार्किंग में दिखाऊंगा कहाँ खड़ी है मेरी गाड़ी। और आज मेरी नंबर तो आ चुका है, तो अब सबसे पहले जाएंगे MCD टूल टैक्स के पास गाजीपुर, जहाँ से मैं टूल का टैग लगवाऊंगा गाड़ी में, ताकि टूल टैक्स कट सके। और एक और टैग लगेगा, यानी तीन तरह के टैग लगेंगे गाड़ी में, तब मेरी गाड़ी हर जगह जाने के लिए रेडी हो गया। गाड़ी फिलहाल तो तैयार है, नंबर उम्बर आ गया है। चलो मैं आपको गाड़ी का नंबर दिखाता हूँ, गाड़ी दिखाता हूँ, पार्किंग में लेके चलता हूँ, तो आओ मेरे साथ। दोस्तों हम लोग पार्किंग पहुंच चुके हैं, अब लेंगे चाबी, गाड़ी करेंगे स्टार्ट और फिर जाएंगे टूल टैक्स के लिए। अपनी पहली गाड़ी का नंबर दिखाएंगे, दूसरी का दिखाएंगे जो हमने लिया, जो हमने देख लिया। राम राम। राम राम जी, कैसे हो? राम राम जी, राम राम। पूरा तहलका मचा। ये देखो एक इंट्रा यहाँ पे भी खड़ी है। चाबी वाला कहाँ है? ढूंढो, पछाने की लड़ो। अरे उस्ताद किधर हो? आओ दिखाते हैं मैं आपकी पहली अपनी गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी जो हमने लिया है। तो 18/05 अपनी पहली गाड़ी भर लो। ये देखो ये है अपनी पहली गाड़ी, तो हमने बेच दिया ये गाड़ी, हम बेच चुके हैं। नई गाड़ी आई है। और ये है अपने दूसरी गाड़ी, इसका नंबर है 1836। यहाँ पर देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। ये है अपनी पार्किंग पटपटगंज, ये रही अपनी गाड़ी, ऊपर लिखा है गुड्स कैरियर। अब हम गाड़ी निकालते हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी अपनी। ये तो नहीं है, नहीं ये नहीं है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं थोड़ा। कोई बात नहीं, और देखते हैं कौन सी गाड़ी है। दोस्तों अभी हो रहा है अपने गाड़ी का धर्म काटा, चल दे कागज दे निकाले। कितने तो? गाड़ी का वजन आया अपना 1570, गाड़ी का धर्म काटा कराया हमने। दोस्तों गाड़ी का धर्म काटा हो चुका है, आप देख सकते हो गाड़ी का कितना आया है। खाली गाड़ी का वजन 1570 किलो। और अपना भाड़ा आ चुका है, इसलिए आज हम टूल टैक्स के लिए नहीं जा पाएंगे। इसको खींचियो यार, एक मिनट खींच। दोस्तों हम लोग जा तो रहे थे अपने गाड़ी का टूल टैक्स टैग वगैरह बनवाने के लिए, मगर क्या है अब एक छोटा सा भाड़ा आ चुका है शिफ्टिंग का, इसीलिए आज हम नहीं जा पाएंगे। ग्राहक से भी मिलाऊंगा, बहुत पुराना कस्टमर है हमारा, तो अब तो हो नहीं पाएगा, हम टूल टैक्स वगैरह के लिए नहीं जा पाएंगे। तो पहले जाते हैं भाड़ा मार के आते हैं, अगर टाइम मिला तो देखते चल जाएंगे, है ना। स्टैंड पे आ चुके हैं, अब हमें लेबर की आवश्यकता है, घर का सामान सेटिंग करना। तीन लेबर मिले, देखो उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। हाँ भाई चलोगे? हाँ चलेंगे। पांचवी मंजिल से चौथी मंजिल से आना है। एक मिनट, एक लेबर में भी हो? चलोगे भाई? लेंगे। हमारे स्टैंड की लेबर है जो परमानेंट है, कम से कम 20-25 साल पुराने लेबर सर है, सब देख रहे हो, 20-30 साल से लेबरी कर रहे हैं।
अब इनको ले जाएंगे 1500 रुपए लेंगे, 500 रुपए तीन बंदे, चौथी से पांचवी मंजिल सामान है, बहुत सारा सामान है, एक पूरी गाड़ी भरेंगे और खाली करेंगे। अब आपको चल के दिखाते हैं कैसे खाली करेंगे। और आज उस कस्टमर से मिलाऊंगा जो कम से कम दो साल नहीं, कम से कम 15 साल पुराना है, उनकी आवाज सुनना कितना मजा आता है। चलो बैठो। दोस्तों हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, अशोक नगर मालदा मार्केट। ये मछली का मार्केट है अशोक नगर में। यहीं से अपनी गाड़ी लोड होगी। ये रही गाड़ी, डाला खोल के रखा है। और पापा गए हैं अभी वहाँ पे बात बात करने के लिए लेबर एबर के साथ। और अभी गाड़ी लोड होगी तब हमें यही अशोक नगर में ही थोड़ा आगे जाके माल को उतारना है। घर शिफ्ट हो रहा है एक, वो हमारे बहुत ज़्यादा पुराने जानने वाले हैं उन्हीं का। क्योंकि ये बहुत अच्छे से सामान पहुंचाते भी हैं और उनके कारीगर भी बहुत अच्छे हैं। लेबर कैसे हैं? तो बहुत अच्छे हैं, फ्लेवर भी और रेसिपी, मतलब ट्रस्टेड लोग हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आपका सामान बहुत अच्छे से एक जगह से दूसरे का पहुंचाया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए दोस्तों, गाड़ी अनलोड हो चुकी है, अब हमारा शिफ्टिंग का काम खत्म। अब जा रहे हैं हम लोग वापस से स्टैंड पे, कोई दूसरा भाड़े के लिए जा रहे हैं। अगर मिल जाए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, अपनी नई गाड़ी से पहला भाड़ा तो लग ही गया जैसे तैसे। गाड़ी लेके हम लोग आ गए थे स्टैंड पे, तभी हमें ध्यान आया कि नई गाड़ी है, इसमें अभी हमने डिफ्लेक्टर टेप भी नहीं लगवाई। के बाद देखते हैं, नीली चलान हो सकती है, बहुत तगड़ी चलान है। दिल्ली में क्या ऑल इंडिया डिफ्लेक्टर टेप पे बहुत ज़्यादा चलान है, इसलिए डिफ्लेक्टर टेप क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर प्लेट में भी लिखवाना सही से नहीं, नंबर प्लेट भी अच्छे से लिखी नहीं है। मुझे ना क्रोशल वेट भी लिखना है, इस पर गाड़ी का वजन कितना है, कितना वजन है, ये सब लिखना पड़ता है, ये सब कुछ हमने लिखवाया नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें बहुत सारी काम अभी, क्योंकि दिल्ली नंबर गाड़ी है, राजधानी में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, यहाँ आसानी से आप गाड़ी नहीं चला सकते। बहुत सी चीज़ें अभी लगवानी पड़ेगी, चीज़ें लगानी पड़ेगी, तब जाके आप चल पाओगे। दिल्ली में हजार समस्या है गाड़ी चलाने में, मगर कोई बात नहीं, हम हजार समस्या झेल सकते हैं। आ चुके हम लोग ट्रक मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हो सामने ट्रक मार्केट है। कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, अभी हम यूटर्न करके जाएंगे ट्रक मार्केट। हम लोग ट्रक मार्केट, देखो यही जगह है अपने ट्रक मार्केट पटगंज में, पटे डेयरी के पास। अभी जा रहे हैं हम लोग डिफ्लेक्टर टेप खरीदने। हाँ तो मेरे भाइयों, हमने टेप लगा दिया, पीली वाली टेप जो देख रहे हो आप, ये जरूरी है। ये टेप यहाँ से वहाँ तक लगवाया हमने, टेप ये लगाया है, उसके बाद ये लगाया है लाल वाली, ये वाला भी लगवा दिया लाल वाली, दोनों टेप ऊपर तो पूरे लाल वाली। उसके बाद इस साइड लगाया टेप, आप देख सकते हो टेप लगा हुआ। उसके बाद ये वाइट वाला टेप लगवाया है, ये देखो वाइट वाला है,
ये वाइट वाला टेप फिर ऊपर भी मैंने लगवा दिया, कहीं कहीं जो बच गया था पीली वाली टेप पूरे टेप लगवा दिया।